सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब एकदम मस्त मज़ेदार और आप ठीक होंगे। तो अभी हमारा कॉलेज जाने का वक्त हो चुका है और आज मैं बहुत नहीं लेकिन 6 मिनट लेट हूँ। 6 मिनट तो चलता है गाइस, लेकिन मैं एक सीन बताने वाला हूँ अपनी हायाबुसा के बारे में। कल अपनी हायाबुसा पंचर हो चुकी थी, पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरी हायाबुसा को और पंचर हो गई। 3 पंचर थे अंदर और एक वाल्व जो था वो भी नहीं, उसमें से भी हवा आ रही थी, मतलब वो भी पंचर है था। तो 300 रुपये से ज़्यादा का खर्चा हो चुका है अपने हायाबुसा में कल के कल। अभी तो ठीक है, मेरी प्यारी हायाबुसा अच्छी है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को इसका। पता नहीं एकदम से कैसे हो गया और 3 पंचर एकदम से कैसे आएगा इस। गाइस आज तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन कल के व्लॉग में मैं ये क्लिप ऐड कर दूंगा। हम लोग खाने आए थे और मेरी गाड़ी का पंचर हो चुका है और हम लोग अभी विद्यानगर की सड़कों पे ऐसे गाड़ी लेके जा रहे हैं। कैसे कैसे दिन आ गए गाइस, कैसे दिन आ गए देखो। देखो भाई स्टील चला गया है अंदर। और गाइस वाल भी निकालना पड़ा क्योंकि वाल से भी हवा आ रही थी, पता नहीं क्या किसकी पूरी नज़र लग गई है। पता नहीं गाइस किसकी नज़र लग गई गाड़ी को, हायाबुसा को, अपनी हायाबुसा में 3-3 पंचर पड़ गए और वाल में से भी हवा निकल के आ गई और वाल भी नया बदलना पड़ेगा। खर्चा हुआ है 200 ऊपर का खर्चा होगा शायद, देखते हैं क्या सीन होगा। किसी ने जानबूझ के तो नहीं किए होंगे, लेकिन किए होंगे तो भी 3 पंचर कील चुक गई थी, इसलिए जानबूझ के नहीं किए होंगे, रास्ते में ही हुआ होगा। लेकिन फिर भी चलिए कोई नहीं, बहुत ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए कॉलेज पहुँचते हैं। और कॉलेज पहुँच के मज़े करते हैं और क्या ही करेंगे। कॉलेज पहुँच चुके हैं मैं और नरेंद्र भी कॉलेज खत्म हो चुके हैं, आया हुआ हूँ सोमनाथ पे नाश्ता करने। कॉलेज वॉलेज ख़त्म हो गया मेरा और मैं अभी आया था हॉस्टल पे जीवित और उन लोगों की, क्योंकि मेरे को कुछ प्रैक्टिकल का काम था। तो मयंक की प्रैक्टिकल में से हमने लिखा तो है प्रैक्टिकल वगैरह, लेकिन फिर मेरे को इंडस्ट्रियल रिपोर्ट और वो सब लेना था, तो मैंने अभी वो सब ले लिया है। और जिमित भाई मैं क्या बोलता हूँ सर, प्रैक्टिकल तो अच्छे से चेक कर देंगे ना अपने? हाँ कर देंगे सर, 25 तारीख को कर देंगे, 25th को। भाई मेरा जो कुछ गड़बड़ भी हुआ ना तो भी मैं सर को बोलने वाला हूँ कि सर मत चेक करो, मार्क मत दो, चलेगा। लेकिन अब मैं नहीं लिखने वाला भाई, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ लिखने के भाई। चलो मिलता है, चल भाई तू जा, जय माता दी, चल भाई गाइस। फाइनली अभी आ चुका हूँ मैं फ्लैट पे और क्या माहौल है अभी। देखो शाम हो चुकी है और मेरे को अभी जाना है शास्त्री में चलने, लेकिन आज देखो मौसम एकदम बहुत ही गजब सा बना हुआ है अपनी यहाँ पर, लेकिन निकलेंगे शास्त्री में। देखो तूफान आ रहेगा इस यहाँ पे, मौसम बहुत ही मस्त बना है, सनसेट होने वाला है। और ये देखो अपना लालू क्या कर रहा है, व्हाट्सअप ब्रो। ओ भाई उसको मत मार, हट हट, इसे शायद वो गिलहरी को मार दिया है लगता है, इंजर्ड कर दिया है ब्रो। आज अपने लालू ने पता नहीं क्या कर दिया है, वो स्क्विरल को शायद मार दिया है। मैंने ट्राई किया लेकिन वो फिर लेके चला गया, इसलिए मेरे को लगता है उसने मार दिया है उसको, इंजर्ड तो कर दिया था, फिर उस छोटे बच्चे बेचारे को मार दिया है। तो अभी मैं आ चुका हूँ शास्त्री और जल्पिन और अर्पित भी आ चुके हैं, यहाँ पे फ़ोन आया उनका। तो अभी यहाँ पे पार्क कर देंगे अपनी हायाबुसा, थोड़ी ही संभाल के पार्क करनी पड़ेगी क्योंकि कल पंचर हो चुका था अपना हायाबुसा का टायर, तो आज थोड़ा देखना पड़ेगा किधर कुछ हो ना। सो गाइस ये लोग देखो अभी मिल चुका है मेरे को, ये जल्पिन और अर्पित। हाँ क्या समझाना है भाई, आलम बेटा भाई ये क्या गा रहे हो, वो मस्त वीडियो आ रहा है भाई यहाँ से, सही में
हाँ वॉट व्यू है, मैं पूरे बादल दिख रहे हैं आकाश में। आज बहुत अच्छा माहौल है हमारे विद्यानगर में, एकदम पूरा मौसम मजा है, सुहाना बड़ा मौसम। कौन है मौसम? एक हसीना का नाम है जो हमसे खफा है। सुहाना कौन है भाई? सुहाना भी एक हसीना है जो हमसे खफा थी, लेकिन अब वो आना चाहती है, लेकिन अभी हम मौसम से प्यार करते हैं। लेकिन ये हसीना कौन है? अरे हसीना, अरे यार इसको अभी हसीना का नहीं पता। हसीना थी, एक दीवाना था, एक वो हसीना है नीलम पर हूँ। वो तो बहुत सारे मिक्स हो जाएगा। तो गहरी खाने झाड़ पे चढ़ी गहरी खाने झाड़ पे चढ़ी, फिर वो आमली के झाड़ से नीचे पड़ी, फिर लगी उसको चोट। पर आमली के झाड़ से कहाँ से पड़ेगी, तो कैरी खाने चढ़ी। लेकिन वो पागल थी शायद, ऐसा लगता है। वो बगल वाले पेड़ पे कूद रही ना। अच्छा, बगल में आमली का, बगल में आमली का। हाँ, मतलब वो बंदर थी क्या? वो खुद को बंदर समझती थी। ओह भाई सही, उसको कूदने का बहुत शौक था। ओह कूदने कट कट कट। अरे भाई अर्पित को कुछ और शूट करना है, तूने कुछ और याद करके। क्रिकेट अच्छा, हाँ क्रिकेट। हाँ गाइस, अभी हमने एक शास्त्री में क्या हुआ, एक बॉल आया यहाँ पे, सॉरी एक बॉल आया। क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे लोग, तो बॉल आया तो जलपिन भाई ने दी, हमने पास किया उन लोगों को। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हमने रील्स पे ट्रेंड चल रहा है ना, रील्स पे ट्रेंड चल रहा है, ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि कल आप पता चला कि बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो कोई अंकल आके ऐसा कहते थे मेरे को, एक भाई मेरे को भी एक बॉल खेलने दो। हाँ, और वो मैं अभी भी करता हूँ, छोटे बच्चे खेलते भाई, मैं अभी भी खेलता हूँ। फिर मैं उनको एक बॉल खेल के पूरा एक ओवर खेल देता हूँ। मतलब आप डालो बॉल, अब ऐसा पूरा ओवर खेल लेता हूँ। अच्छा ऐसा है, बोल देते तुमको नहीं खेलेंगे, तुम बहुत दूर मारते हो, तुम ये करते हो। मतलब तू अंकल को बोलता था? नहीं, बच्चे लोग मेरे को बोलते हैं। अच्छा, तो तू अभी अंकल बन चुका है फाइनली, ऐसा है। वैसे भाई की शादी भी हो चुकी है, भाई अंकल भी बन चुके हैं, सर्टिफाइड अंकल। और गुड टाइम के बाद तो सेठ बन जाएंगे, पेट बढ़ जाएगा। नहीं भाई, जलपेन सिक्स पैक बनाएगा। देखो अभी पेट दबा के चल रहा है ना, लेकिन कुछ समय बाद वो सिक्स पैक बनाएगा। और ऐसे सिक्स पैक बनाएगा ना, चाय पियो, बिस्कुट खाओ, बिस्कुट ऐसे छपेंगे उसके, मतलब कल तो मुझे एट एप्स बनाना था, बोल रहा था क्या एट पर जलपेन, मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरे को फ्लैट बन जाए वही अच्छा है, मुझे कोई अभी अपनी चीज़। भाई उसको फ्लैट बनाना है, मेरे को लगा अपार्टमेंट बनाएगा। फ्लैट मत बना, अपार्टमेंट बना यार, बंगलो बना भाई, फ्लैट बंगलो तो भी है, हाउस पैक, फैमिली पैक, तो प्लॉट बना। हाँ गाइस, देखो माहौल, देखो शास्त्री का थोड़ा वन एक्स में बता दो। वहाँ किसी का प्री वेडिंग चल रहा था क्या? वो चल रहा था, वो जादू तो ना, क्या बोलते हैं उसको, आरएसएस वाले कुछ कर रहे। अच्छा, बाकी मेरे को लगा तुम जा आरएसएस से मस्ती नहीं, लेकिन जादू तो ना चल सकता है भाई, क्या बता। जल्दी भाई की काली नजर जलपिन भाई, अब कैसे हो? तुम्हारे ब्लॉग में हमने बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए, इंस्टा पर भी कुणाल ने कमेंट किए कि जलपिन भाई ध्यान रखो ऐसा, और ज़्यादा सोचो मत ऐसा, तो अभी कैसा लग रहा है? अरे जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि टाइम ये भी बीत जाएगा, तो सब कुछ पहले से हो जाएगा ऐसा, तो मतलब समय के साथ सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जब समय आता तब वो पता चल जाता है, तो आप पता चल जाता है कि चलो अभी कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाने वाला नज़दीक ही है। जैसे जलपिन की एग्ज़ाम नज़दीक है, जलपिन जल्दी एग्ज़ाम दे देगा, फिर वो एकदम से फ्री हो जाएगा, बाहर आएगा, 90% फ्री हो जाएगा, 10% तो कुछ काम रहेगा ही उसको। अभी मेरा जलपिन और अर्पित के बीच में डिस्कशन हुआ कि हमें ये टॉपिक कवर करना चाहिए कि लोग शास्त्री में क्यों आते हैं, मतलब सब लोग मोस्टली चलने तो नहीं आते। हाँ, डिफरेंट पर्पज, मोस्टली सब लोग चलने तो नहीं आते। तो क्या आपका क्या मानना है, आपको वो देखना है या फिर हम आपको बोल के एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं? वो तो करेंगे, बोल के भी एक्सप्लेन करेंगे और दिखाएंगे। ठीक है, बच्चे जो आते हैं वो चलने आते हैं। हाँ, ये बच्चे अकेडमी, ये देखो फुटबॉल अकेडमी है, तो यहाँ पे छोटे बच्चे खेलने आते हैं। और देखिए दोस्त लोग,
इनमें से दो तीन इंडियन टीम में जाए। हाँ ब्रो आई होप, दो तीन नहीं मैं तो सोच रहा हूँ सारे चले जाए, पूरे चले जाए भाई आनंद गुजरात से। हाँ देखो फैंस का पूरा ग्रुप आता है मजे करने के लिए, घूमने के लिए। हाँ 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 क्या हुआ? कुछ लोग कॉल पे बात कर रहे हैं, अभी कुछ बात में बताएंगे। हाँ अभी वो टाइप दिखा नहीं हमें, वो बता देते हम कि घर पे बात नहीं कर सकते जो यहाँ के है लोकल आए थे, वो क्या करते हैं कि यहाँ आते हैं और बात करते हैं, बोलते हैं हम खेलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, चलने जा रही हूँ। हाँ चलने जा रहा हूँ, मतलब दोनों जा रहा हूँ जा रही हूँ। एक प्रजाति ऐसे भी देखी थी और कुछ लोग चलने आते हैं, ये मेरी फ्रेंड आ रही है सामने से, वो चलने आते हैं। तो अभी भाई जा रहा है आगे आगे। एक प्रजाति ऐसी भी होती है हाँ। जो घर से धक्के मार के निकलते हैं ना तो बाहर निकले। हाँ बाहर निकले वो लोग भी आते हैं, वो यहाँ पे आके पबजी खेलते हैं। और ये अंकल जो बैठा है वो सुकून के लिए आते हैं। और गाइस कुछ कपल्स आते हैं जो लोग शास्त्री में बैठ के अपने लाइफ के दिन, मतलब एक मेमोरीज बना रहे होते हैं, सुहाने दिन जी रहे होते हैं। कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग, कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग, कॉन्शियस नहीं भाई कॉन्शियस। हाँ भाई मेरे मुंह से निकल गए, मेरे मुंह से निकल। हाँ हाँ सॉरी ओके। और भाई कुछ लोग आते हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, हमारे जैसे बड़े लोग वॉलीबॉल है, वहाँ बास्केटबॉल खेल, वहाँ पे बास्केटबॉल का वो सब चल भी रहा है पूरा, फुटबॉल का जैसा है ना वैसा वहाँ पे बास्केटबॉल का क्लब है, ऐसा सब है गाइस। कुछ लोग पढ़ाने आते हैं, पढ़ने आते हैं। हाँ कुछ लोग पढ़ने आते हैं, पढ़ाने आते हैं। हमारे जैसे लोग चलने आते हैं, दौड़ने आते हैं, सोचने आते हैं अपने ख्यालों में, लोगों को देख के नहीं, लोगों को देख के उनकी खुशियाँ लेते हैं, लोगों को देख के उनका गम लेते हैं। यस क्योंकि नोटिस करता हूँ मैं कभी कभी अकेला जाता हूँ ना तो खाली भी नोटिस करता जाता हूँ कि ये भाई ये देखो ये कैसा खुश है, ये कैसा दुखी है, इसकी लाइफ में क्या, इसकी लाइफ में क्या, अपने और सुहाने और गम से भरे दिन भी याद करते हैं। हाँ कि हमारे साथ जैसा हुआ है, या तो हम बीच स्टेज में हैं, या तो हम कल को जाके और कभी कभी हम लोग शास्त्री के बाहर जैगुआर और वैसी गाड़ियाँ खड़ी रहते हैं ना, उसको देख के सपना अपना एक सपना मतलब पूरा करने की कोशिश करते हैं कि हाँ गाइस हम लोग भी ऐसी गाड़ियाँ लाएंगे इससे भी बड़ी। हाँ और जिएंगे अपनी जिंदगी मस्त एकदम, नीचे अपने परिवार को बिठाएंगे, खुद नहीं घूमेंगे, भारत माता का झंडा क्या बोल, खुद नहीं घूमेंगे अपने परिवार। हाँ अपने परिवार को भी घुमाएंगे। और ऐसे ही शास्त्री में जो लोग आ रहे हैं लेके, वैसे हम भी आएंगे बाहर अपनी गाड़ी रखेंगे और एक आधा राउंड मार के चले जाएंगे। ऐसे सपने हैं ब्रो और क्या, सही में हर जगह गाइस विद्यानगर में ड्रिल करेंगे, ये अपन ड्रिल भी करेंगे, चिल भी करेंगे ब्रो। और विद्यानगर में गाइस आएंगे ना, जब भी आएंगे मतलब जब अमीर बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, उसके बाद आएंगे गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके। उस टाइम पे बहुत ही अलग मजा होगा कि हाँ भाई मैंने कर दिया, देख मैनिफेस्टेड मैनी थिंग्स हाँ जो मैंने यहाँ से सोचा था, तेरी मिट्टी पे आके जो मैंने बोला था वो कर दिया है फाइनली। ये जलपिन भाई हरजस सुनते हैं? जलपिन तू कब से हरजस सुनने लगा? 2 साल पहले। तभी लेके फिर हाथों में क्या वो गाना है ना, कौन सा टूटा दिल बदन सुना है हरजस का, मतलब रागा एक्स हरजस कुछ ऐसा। हाँ, बहुत पसंद है तो वो हाँ ये वाले अंकल चेस खेलने आते हैं और सबको चेस खिलाते हैं उनके साथ जी। और कुछ लोग हमारे देव भाई जैसे कुछ लोग हैं ना, वो डॉगी को लेके आते हैं, उनको डॉगी को यहाँ पे कुछ पेशाब पानी करना होता है पेशाब पानी नहीं देंगे भाई। और कुछ ऐसे बैठते आते दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने हमारे जैसे, ये रहा पूरा ग्रुप में देखिए, ये देखो पूरा ग्रुप बैठा है, लोग बैठे हैं वहाँ पे, मिट्टी उड़ा रहे हैं वहाँ पे, खेल रहे हैं। ये देखो पूरा झुंड, हमारे फर्स्ट ईयर की याद आ गई हमें, हम लोग भी फर्स्ट ईयर में ऐसा झुंड लेके आते थे 12-13 लोगों का। लेकिन फिर क्या हुआ पता है, सेकंड ईयर आया उसमें से आधे हो गए, थर्ड ईयर आया तो बहुत ही आधे हो गए, लेकिन हमें तो ये फर्स्ट ईयर से ही पता चल गया कि ऐसा होगा, ऐसा ही होता और ऐसा ही होता है गाइस। आपके साथ भी कॉलेज में हो अभी, फर्स्ट ईयर में ऐसा होगा, सब साथ में होंगे, सेकंड ईयर आएगा खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। हाँ मेरे इतने सारे दोस्त है। तो गाइस ऐसा ऐसा सीन है, सेकंड ईयर आएगा खत्म हो जाएंगे आधे दोस्त, थर्ड ईयर में तो एक दो ही बचेंगे,
जैसे मेरे ये लोग बचे थे, ये लोग और अपने कृणाल भाई और वो लोग कॉलेज में से ही उतने ही लोग बचे थे। ओ भाई किलन कैसा है? किलन मिल गया, मैं बोल रहा कि बस बस है भाई बस। नहीं हम तो बस हम थोड़ी बस्ती का हस्ती, अरे है हम बस्ती का हस्ती है लेकिन बस नहीं करेंगे हम लोग, वीडियो बनाते रहेंगे। हम जेट में जाएंगे तब बस करेंगे। हाँ नहीं तब भी थोड़ी करेंगे, तब भी थोड़ी करेंगे भाई, संतोष रखना ही नहीं है लाइफ में, बढ़ते ही जाना है। तो गाइस वही कह रहा था मैं कि ऐसा ऐसा सीन होगा, लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में कम आएंगे, लेकिन फिर पता चलेगा कि रियल कितने हैं और फेक कितने हैं। तो ये सब चीज़ों से गुजरोगे तभी पता चलेगा ज़िंदगी का रियल और रियल मीनिंग। रियल टॉक्स, यस रियल टॉक्स। खाने जाओ, खाओ। हाँ गाइस खाने जाओ, चलो खाओ, मिलते चलो गाइस। ये लोग जा रहे हैं अभी, चल लिया हमने, चल जलपेन मिलते हैं, बाय, जय श्री राम। मैं तो चल के आया अपनी कैलोरीज बर्न करके, और इन लोगों ने मेरे को पानी पूरी खाने बुला लिया। अब मैं क्या ही करता, मैं ठहरा मजबूर। ये हाँ तो दिल खुश करते हैं पानी पूरी खा के। तो गाइस ये लोग मेरे को है ना मोटा ही कर देंगे ऐसा लगता है, खिला खिला के। तू मोटा है नहीं? अच्छा अरे यार इतना सच भी नहीं बोलना था यार। तो देखो अभी पानी पूरी खाने आया है, शुरुआत जिगर से करेंगे। ये वो है लेडीज फर्स्ट, चलो चलो जिगर ने पहले खा ली, मतलब लेडीज फर्स्ट। वही नहीं नहीं तू खा ले, अरे नहीं नहीं लेडी, अरे नहीं नहीं अरे 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 कृपा ने खा ली गाइस। यश भाई को लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे, यश भाई आ रहे हैं बस में भावनगर से। उनको फोन आया कि भाई थोड़ा आ जाना बस स्टैंड ऐसा ऐसा, तो उनको लेने आया हूँ मैं। धीरे धीरे कुछ बच रहा है यहाँ पे, लेकिन बस उनकी पता नहीं किधर है, अभी आएगी। तो गाइस फाइनली यश भाई आए हैं आज, इन्होंने फिर से लेट करवाया, कितनी देर बाद आए, 5 मिनट तो मैं पे खड़ा रहा, 5 मिनट भी लेट। तो आए तो मिलते हैं उनसे, बात करते हैं भाई क्यों लेट। भाई इधर भी लेट आ गए आप तो, मजा कैसे भाई? बढ़िया एकदम भाई। इधर भी लेट आ गए, मैंने बोला यस भाई यहाँ पे भी लेट। ट्रैफिक में फंस गया था रेलवे स्टेशन के पास। अरे चलो अपनी हायाबुसा लेके जाते अभी। जिगर को मैं यो फ्रेंकी पे ड्रॉप करके गया था, वो जब आए यस भाई और हम दोनों तो साथ में खाना खा लेंगे। तो अभी हम लोग आया हुआ है यो फ्रेंकी पे, आज कुछ सैंडविच वगैरह खाने की इच्छा है, इसलिए यश भाई को फ्रेंकी और ज़्यादा खानी है, तो उन्होंने अलग से फ्रेंकी या मंगाई है, बहुत सारे मतलब उनके लिए क्या फ्रेंकी। हाँ तो फ्रेंकी ही बोला भाई। हाँ भाई हाँ भाई, ये नींबू शिकंजी और ये सेठी का गन्ने का जूस। गाइस यश भाई को पीपीटी करना सीखना होगा, सीख लेंगे। और अपना बर्गर आ चुका है, ये वाओ भाई देखो बर्गर कितना सेक्सी है। सो गाइस फाइनली अभी फ्लैट पे आ चुके हैं हम लोग, खाना वाना तो कुछ खाया नहीं, बर्गर वगैरह खाया, पानी पियेंगे अभी। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय श्री राम, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। पीस आउट।